स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज क्लास 3 के लिए मैंने गिव एंड टेक का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें इंट्रोडक्शन दिया, एक्सरसाइज करवाया। अभी मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कैसे सॉल्व द प्रॉब्लम्स करते हैं। हम यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आए हैं, ओके। तो वो किस तरह करना है और कब एडिशन होता है या कब सब्ट्रैक्शन होता है वो भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से सिर्फ एडिशन का ही है अभी, ओके। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा लिखा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, देर आर 236 स्टूडेंट्स इन अ फर्स्ट स्टैंडर्ड। कितना स्टूडेंट्स है? 236 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड 185 स्टूडेंट्स इन द सेकेंड स्टैंडर्ड। अब हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देर इन बोथ द स्टैंडर्ड। अब टोटल दोनों क्लास का, क्लास वन क्लास टू का टोटल्स देखना है। अब टोटल देखना है, ये वर्ड जो टोटल है उसका मीनिंग है ऐड करना, ओके। जब भी प्रॉब्लम सम्स हैं, आपको मैं बताती हूँ, जब भी प्रॉब्लम सम्स आते हैं तो उसमें अगर वर्ड टोटल हो, ऑल टुगेदर हो, ओके, स्पेंड इतना स्पेंड किया है, हाउ मेनी रुपीज डिड ही स्पेंड इन ऑल, ऑल टुगेदर, मोर, ये सब जो भी वर्ड्स आते हैं वो आते हैं प्लस पे, ओके। अब यहाँ पे हम अभी प्रॉब्लम सम्स में हमें डायरेक्ट ऐसा 236 प्लस 185 नहीं लिख सकते, ओके। प्रॉब्लम सम्स हमारे लिए क्या है, वो कुछ स्टेटमेंट लिखना है, तभी मैं इसका स्टेटमेंट आपको सिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल है स्टेटमेंट। हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड वन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट, ओके। इस तरह लिखना बस, कितना है 236। सेकेंड स्टेटमेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंड, ओके, कितना है 185। अब टोटल मैंने बोला ना, क्वेश्चन बेस के बाद क्या बोला है, हाउ मेनी टोटल, ओके। टोटल को तो हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो प्लस किया, 6 प्लस 5 कितना है 11, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 8 12, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 2 4, ओके। ये हमारा कितना है टोटल स्टूडेंट्स है, ये हमने टोटल स्टूडेंट्स का कर दिया, ओके। हमें क्या आंसर आया, 421 टोटल स्टूडेंट्स, ओके। इसमें अभी मैं स्टेटमेंट ये लिखूंगी, देयरफॉर, ये जो साइन है ऊपर डॉट और नीचे दो डॉट है उसमें ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर देयर आर 421 स्टूडेंट्स इन बोथ द स्टैंडर्ड, ओके, लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये कितना इजीली मैंने स्टेटमेंट आपको बताया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंड, टोटल स्टूडेंट्स, और ये इस तरह स्टेटमेंट। ये सॉल्व द प्रॉब्लम्स या तो 3 मार्क्स के होंगे या तो 5 मार्क्स के। आप ये इस तरह स्टेटमेंट लिखोगे फुल स्टेप बाय स्टेप तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। अभी मैं सेकेंड क्वेश्चन पे, हेलो स्टूडेंट्स, अब मैंने बोला ना आप लोगों को सेकेंड क्वेश्चन पे मैंने देखा है। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है, इन अ गार्डन देर आर 385 नीम ट्रीज एंड 287 अशोका ट्रीज, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर देर इन द गार्डन। अब बच्चे बताओ इसमें क्या करना है, ऐड करना है या सबट्रैक्शन करना है। मैंने क्या बताया, जहाँ टोटल हो तो क्या करना है, एडिशन करना है, ओके। अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगी, कैसे लिखोगे आपको पता है ना अभी, तो मैं ऐसे लिखूंगी, नंबर ऑफ नीम ट्रीज 385, नंबर ऑफ, ये एनओ नहीं है, नो नहीं है, नंबर है, शॉर्ट में मैंने इधर डॉट डाला हुआ है एनओ के बाद, ओके, नंबर ऑफ अशोका ट्रीज 287। अगर थोड़ा स्पेस अपना नोटबुक में है तो अच्छा है, तो थोड़ा डिस्टेंस रख के आप लिख सकते हैं, ओके। अब ये काउंट करेंगे, 5 प्लस 7 कितना है 12, 1, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 17, 3 प्लस 2
5। ओके ये क्या है हमारा टोटल आ गया है। ओके अब स्टेटमेंट में क्या लिखूंगी, देयर आर 572 ट्रीज इन आवर गार्डन। ओके समझ में आ गया, देयर आर 572 ट्रीज इन आवर गार्डन। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे जा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन पे है द फैक्ट्री मेड टू, थर्ड वाला क्वेश्चन ये है, आपने ये लिख दिया ना। ओके अब थर्ड वाला क्वेश्चन पे जाती हूँ, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ वन बाय वन। अ फैक्ट्री मेड 280 बल्ब्स ऑन फर्स्ट डे, कितना बल्ब बनाया है 280 बल्ब्स ऑन फर्स्ट डे। ओके अब दूसरा सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, 126 बल्ब्स ऑन सेकेंड डे, कितना 126 बल्ब्स ऑन सेकेंड डे। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टोटल बल्ब्स आर देयर मेड ड्यूरिंग दीज टू डेज इन द फैक्ट्री, ये दो दिन में कितने बल्ब्स बनाया है टोटल, हाउ मेनी टोटल, हाउ मेनी टोटल बोला है तो प्लस आता है। ओके अब मैं सॉल्यूशन स्टेटमेंट करती हूँ, आंसर्स के साथ लिखती हूँ। नंबर ऑफ बल्ब्स, देखो हम इधर नंबर पूरा लिखने जाएंगे तो स्पेस नहीं रहेगा क्योंकि नोटबुक का साइज छोटा होता है और ये स्टेटमेंट एक में ही आना चाहिए एक ही लाइन पे, इसलिए मैंने नंबर का शॉर्ट लिखे डॉट कर दिया। नंबर ऑफ बल्ब्स ऑन फर्स्ट डे कितना था 280, नंबर ऑफ बल्ब्स ऑन सेकेंड डे कितना था 126, प्लस कर देंगे, 0 प्लस 6 कितना आता है 0, नहीं 6 लिखेंगे। ओके 8 प्लस 2 कितना है 10, 10 का 0 नीचे लिखेंगे 1 कैरी ओवर कर देंगे। ओके 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। ओके ये कितना था टोटल, ओके ये 406 टोटल है। अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बताओ दोस्त फ्रेंड्स, किस तरह लिखेंगे, इन दीज टू डेज इन अ फैक्ट्री 406 बल्ब्स आर मेड इन दीज टू डेज। ओके समझ में आ गया ये वाला वीडियो, समझ में आ गया ना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को 4, 5, 6 का करवा के दूंगी, उसके बाद 7, 8 में। ओके टिल दैट थैंक यू।